हाय गाइस, दिस इज नॉस्टैल्जिक स्टोरीज हियर और मैं हूँ सौम्यादीप मोंडल, आपका नरेटर। कल हमने आपको सुनाया था नॉस्टैल्जिक स्टोरी से बादशाही अंगूठी पार्ट 3। आज रात हम सुनाने वाले हैं बादशाही अंगूठी पार्ट 4। सत्यजीत राय की लिखी गई इस कहानी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि इस कहानी में फेलुदा और तोपशे एक ऐसे केस और एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जिसके लिए हम कभी कभी सोचते थे कि या हारेंगे या जीतेंगे। अब आप ही देख लीजिए ये केस कहां तक पहुंचती है। तो पेश किया जा रहा है बादशाही अंगूठी पार्ट 4, रिटन बाय सत्यजीत राय। घर लौटने के बाद हमने देखा कि डॉक्टर श्रीवास्तव को लेकर धीरू काका घर लौट आए हैं। धीरू काका के दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को देखकर एक पल के लिए भी हमें ये नहीं लगा कि वो अंगूठी के लिए उनको कोई भी दुख है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था वो जैसे थोड़े खुश ही हुए हैं। देखिए वो अंगूठी क्या कहते हैं, बदकिस्मती का एक रास्ता था। वो जिसके भी हाथ जाएगा उसको ही परेशानी होगी। घर पे डाकू आएगा, आप समझ रहे हो ना, आकर अगर वो गोली चलाया, इधर तमाशा किया। धीरू काका हंसकर कहे, देखो वो तो एक बात है, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बिन वजह कौन उस अंगूठी के बारे में जान जाएगा और क्यों लेने आएगा, क्या मालूम। अरे आप क्यों सोच रहे हो धीरू बाबू, अंगूठी अगर मेरे पास रहता तो भी जाता और आपके पास था तो भी गया, बात तो वही है। और अगर सोच रहे हो कि पुलिस में काम दोगे तो उधर आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी, फुकट में वो सब झमेले में पड़ने का ही क्यों। फेलुदा इतने देर तक एक सोफा में बैठकर मैगजीन पढ़ रहे थे। अब बात सुनकर ही फेलुदा मैगजीन टेबल पर रखकर अपने पीठ को आराम से सोफा के गद्दे में फैलाकर पैर ऊपर करके और हाथ पीछे लेकर पूछे, क्या महावीर को इस अंगूठी के बारे में पता था। प्यारी लाल का लड़का महावीर? हाँ। उसके बारे में तो नहीं मालूम है फेलू बाबू। महावीर यहीं पे ड्यून्स के स्कूल में पढ़ता था, फिर वहाँ से मिलिट्री एकेडमी, और उससे निकल कर आने के बाद हाँ वो मुंबई जाकर एक्टिंग वैक्टिंग करने लग गया। अच्छा, तो क्या महावीर को इस अंगूठी में दिलचस्पी थी? नहीं, वो मुझको ठीक से नहीं मालूम, प्यारी लाल ने मुझको कुछ नहीं बताया था। लेकिन एक बात जानता हूँ फिलू बाबू, प्यारी लाल अपने बेटे महावीर से बहुत प्यार करता था। प्यारी लाल के हार्ट अटैक के टाइम महावीर क्या वहीं पे मौजूद था? नहीं, वो तभी मुंबई में शूट में था। वो तो जैसे ही खबर मिला वैसे ही वहां से आ गया। धीरू काका ने बाजू से कहा, फिलू तुम तो एकदम पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा, हाँ फिलू को उस तरफ बहुत इंटरेस्ट है। सुनकर डॉक्टर श्रीवास्तव फेलुदा की तरफ घूम कर कहा, वाह फैंटास्टिक। फिर धीरू काका ने एक बात कहा जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा था। उन्होंने कहा, खुद डिटेक्टिव के घर से चीजें चोरी हो जा रहे हैं, इसका ही अफसोस रहेगा। इसी बीच में फेलुदा ने एक और सवाल कर बैठे। उन्होंने पूछा, आपको एक बात पूछता हूं, महावीर अपने एक्टिंग से क्या अच्छा पैसे कमा रहा है? वैसे सुनने में तो आया है कि उसने अपना 4 FD करवा रखा है, और तो महावीर के पिताजी प्यारी लाल ने तो उसके लिए बहुत पैसा छोड़ गए हैं। ये सुनकर
फेलुदा वहां से उठकर पीछे खिड़की के बाजू में आ गए। डॉक्टर श्रीवास्तव ने हमसे ये कहा था कि उनको तब भी निकलना पड़ेगा क्योंकि वो अपने पेशेंट के बारे में भूल ही चुके थे। मैं और पिताजी दोनों ने डॉक्टर श्रीवास्तव को वापस अपने कार तक छोड़ कर आए। फेलुदा तब तक मैगजीन को वापस टेबल के ऊपर रख कर एक लंबी सांस लिया और फिर पूछा, तुझे तुझे चांद में जाने का मन करता है या फिर मंगल ग्रह? मुझे इनमें से कहीं पे भी नहीं जाना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुछ हाथ लगा है? फेलुदा मेरे बात को कोई कान में ना लेकर ही दूसरा बात कह दिया। देख रहा था आज टीवी में चांद और मंगल ग्रह का पिक्चर दिया गया है। चांद में कुछ नहीं है, बंजर जमीन जैसा दिखता है। वैसे मंगल ग्रह के लिए अभी भी थोड़ा इंटरेस्ट बचा है मेरा। लेकिन मैं कूद कर फेलुदा के पास आकर उनसे पूछा, फेलुदा मुझे अभी जो देखना है वो तो है तुम्हारे मनी बैग में वो फोल्ड किया हुआ पेपर, उसमें क्या लिखा है? अच्छा वो ये देख, ये फेलुदा ने कहा, ये उर्दू में लिखा हुआ है, तुझे पढ़ने आएगा क्या? मैंने कहा, तुम दो ना। अपने मनी बैग से वो पेपर को फेलुदा जैसे कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तरह मेरे और फेंक दिया। उसमें देखा तो उसमें लिखा था, खूब होशियार फेलुदा, तुमने तो कहा था ये उर्दू है। अरे ईश्वर चंद्र, तुझे क्या अभी भी ये बताना पड़ेगा कि खूब होशियार हिंदी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल किया जाता है? मैं तब तक उस चिट्ठी में लिखे गए लाल रंग से खूब होशियार को बड़े ध्यान से देख रहा था। फेलुदा ने मुझे ये कहा, वही समझकर, बहुत बार पान के टिप से कभी चूना गिरता हुआ देखा है या फिर उसका रस? इस चिट्ठी में भी उसी तरह उसके टिप से ही लिखा गया था। मैंने उस चिट्ठी को अपने नाक के बाजू में लाने पर ही पान का खुशबू आने लग गया। लेकिन कौन लिख सकता है फेलुदा? पता नहीं। लेकिन जो भी होने दो वो तो बंगाली ही होगा ना? नहीं रे, नहीं मालूम। लेकिन ये तुमको ही क्यों लिखा जाएगा? तुमने तो और अंगूठी को चोरी तो नहीं किया ना? फेलुदा ये सुनकर जोर जोर से हंसकर कहे, अरे धमकी क्या चोर को दिया जाता है? वो तो दिया जाता है चोर के दुश्मन को, उर्फ में डिटेक्टिव। और ऐसे केसेस में उतरने के लिए डिटेक्टिव को भी प्लान हाथ में लेकर उतरना पड़ता है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लग गया। मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा गला सूख जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी तरह फेलुदा से ये पूछा, तो फिर इस बार सच में होशियार रहना पड़ेगा ना? फेलुदा ने कहा, तू क्या सोचता है, हम बिना तैयारी के ही उतर चुके हैं, ये देख। ये कहकर फेलुदा अपने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। वो डिब्बा और मेरे नाक के बाजू तक आ गया। उसमें लिखा था, चूर्णामृतो ब्रह्मास्त्र। ऐसा एक नाम एक टूथपेस्ट के डिब्बे के ऊपर रहेगा, ये मैं कभी नहीं सोचा था। ये दंत मंजन से हम होशियार कैसे होंगे फेलुदा? तेरा जैसा बुद्धि। रात को फेलुदा ने मुझसे पूछा, तुपशे तुझे क्या लगता है? क्या क्या लगता है? यही जो आजकल हमारे साथ हो रहा है। तुम बताओगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं डिटेक्टिव हूँ क्या? और वो सन्यासी कौन था, ये जब तक हमें नहीं पता चलता तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अरे कितना कुछ हमारे पास क्लू है, उन्हीं छोटे क्लू में से हम आगे बढ़ते। जैसे सन्यासी अंदर तो गया लेकिन निकल कर नहीं, इससे हमें कितना कुछ पता चलता है। क्या कितना कुछ पता चलता है? तो अब तक तुझे समझ में नहीं आया? मुझे तो लगता है कि वो बाहर वेटिंग रूम में बैठा इंसान दूसरे काम में ध्यान दिया था, उसके लिए शायद से
पहले ही वो निकल चुका होगा। अरे बेवकूफ, तू एक पॉइंट मिस कर रहा है। वो आदमी उधर बैठा था, अगर सन्यासी निकलता तो उसके नजर में जरूर आता। तुझे याद है सन्यासी के हाथ में एक बैग था? इसका मतलब क्या हो रहा है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक अटैची केस। पॉइंट टू बी नोटेड। यही बताना चाहता हूं कि उसी एक पॉइंट से मेरा पूरा शक निकल रहा है। किस पे शक? किस चीज का शक? किसी के हाथ में भी वो केस रह सकता है। तो इसका मतलब एक सन्यासी कोई ऑफिशियल काम से एक अटैची केस लेकर निकलेगा। अरे सुन मेरी बात, वो असली सन्यासी था ही नहीं। क्या? वो भी कोई आम इंसान है, हमारी तरह कपड़ा पहनकर पंजाबी लगाकर निकल आया होगा। अंदर जाकर वो जरूर अपना भेष बदल लिया है, अपने दाढ़ी निकाल लिया, जिसके वजह से बाहर बैठा इंसान उसको पहचान ही नहीं पाया। लेकिन आज सुबह फिर किसने तुम पर वो कागज फेंक के मारा? या तो वो खुद ही, वरना उसका ही कोई एक आदमी रहेगा। आज सुबह जब हम स्टेशन में उसके बारे में सबके पास पूछ रहे थे, तब वो कहीं से सुना रहेगा और फिर बाद में हमको धमकी दे निकल गए। तो क्या ये रहस्य इधर ही खत्म हो गया? क्या बात कर रहा है तू, रहस्य का कोई अंत है क्या इधर? सुन, डॉक्टर श्रीवास्तव के स्टैंडर्ड गाड़ी को किसने फॉलो किया था? क्या वो सन्यासी खुद या फिर कोई और? हमारे खिड़की के बाहर खड़े होकर एक सिगरेट और एक पान चबाकर कौन नजर रख रहा था? मरते दम के पहले प्यारी लाल किस स्पाई के बारे में बता रहे थे? वो क्या सच में कोई एक स्पाई था या फिर कुछ और? वन बिहारी बाबू इतने वाइल्ड एनिमल्स अपने साथ क्यों रखते हैं? प्यारी लाल का बेटा महावीर इसके पहले वन बिहारी बाबू को कहां देखा था? इसी तरह एक के बाद एक नए रहस्य आते जा रहे हैं तोपशे। कुछ भी होने दो, ओ चोर को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। इतने देर तक आप सुन रहे थे बादशाही अंगूठी पार्ट 4। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल लेकर आने वाले हैं बादशाही अंगूठी पार्ट 5 और ऐसे ही हमारे रास्ते चलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक स्टे ट्यून्ड।